दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल A1 इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं आपका दोस्त एसके। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस की एक ट्रिक लाया हूं, जिससे आप बेस्ट अर्निंग कर सकते हो और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और मैं तो चाहता हूँ कि तमाम लोग इससे फ़ायदा लें और अच्छे से अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप अपने तरीके से यूज़ कीजिए। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ दोस्तों, मेरे अच्छे से अच्छे आइडिया आप तक पहुँचे, इसके लिए प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का एक थंबनेल होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन होगी उसे दबा दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप देख सकते हैं, चारपाई आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये फैक्ट्री में हम आए हैं यहाँ पर चारपाई। और इस तरह देखिए, ये रैग है जो देहातों में यूज़ होते हैं बर्तन रखने के लिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर मटेरियल लगता है और किस तरह ये बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक, जिसे हम पलंग बोलते हैं, पलंग के यहाँ पैर आपको दिखाई दे रहे हैं, लोहे के पैर। इस तरह से बनाए जाते हैं पार्ट पार्ट में और फिर इसको रेडी किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं ये किस तरह से बनाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये फैक्ट्री है, यहाँ पर ये चारपाई, रैग और खटिया बनाई जाती है। तो इसके अंदर ये तमाम लोहे का मटेरियल लगता है, आप जिस तरह से देख सकते हैं, फैक्ट्री आपको नज़र आ रही है, पलंग को आपके सामने बनते हुए नज़र आ रहा है। पलंग आपको इस तरह से वेल्डिंग की जाती है और इस साइड में आपको ये रैक नज़र आ रहे हैं, पार्ट पार्ट में इसको बनाया जा रहा है, वेल्डिंग करके इसे फिर जॉइंट किया जाएगा और ये पलंग के ऊपर पैर लगाए जाएंगे और इसे रेडी करके कलर मार के मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाएगा। तो ये तमाम पार्ट हर चीज़ के बनाए जाते हैं यहाँ पर इस फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री से आप अच्छे से अच्छा माल खरीद के भेज सकते हैं। देखिए, आपको पलंग दिखाई दे रहा हूँ और ये मटेरियल आपको जो नज़र आ रहा है, तमाम लोहे का मटेरियल लगता है इसमें। आप 5-6 मजदूर रखकर ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो, या तो फिर जिस फैक्ट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी आप होलसेल में माल उठाकर बाहर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किलो के भाव में माल मिलेगा, जिस तरह से देख सकते हैं आप, ये कांटे के ऊपर इसका वेट किया जा रहा है इसे बेचने के लिए। और ये देखिए साइड में, ये पलंग रेडी हो गया है कलर मार के मार्केट में बेचने के लिए। और ये देखिए, ये रैक पे जो डिज़ाइन बनती है, जिसे हम बोलते हैं चारानी असारी से बनाए जाते हैं, और ये खटिया, इस तरह से ये माल यहाँ लेने के लिए ऑटो वगैरह बुलाई जाती है जिन लोगों को लगता है। ये देखिए रैक आपको जो नज़र आ रहा है, ये बहुत से रैक है दोस्तों, यहाँ बहुत होलसेल में आपको मिलेंगे, किलो के भाव में बहुत कम रेट में मिलते हैं दोस्तों, और इसे आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। एक ही रैक के पीछे दोस्तों आपको 300 या 400 रुपए का प्रॉफिट छूट जाता है दोस्तों। तो ये बहुत बेस्ट बिजनेस है दोस्तों, ये आज भी देहातों में बहुत चलता है, छोटे छोटे शहरों में चलता है। इसे आप यहाँ से मंगा कर भी होलसेल मार्केट में सेल कर सकते हो, शॉप पे, या फिर आप हफ्तों से इसे स्टार्ट कर सकते हो। देहातों में जा जाकर लोगों को आप इसे हफ्ते से देकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और देहातों में इसे शादियों में भी दिया जाता है, जो लोगों की, जो गरीब होते हैं, हमारे इंडिया में तमाम किस्म के लोग रहते हैं दोस्तों, गरीब अमीर सब रहते हैं, तो इसलिए ये रैग उन लोगों के लिए काम आता है। तो आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कीजिए और इसी तरह से बिज़नेस आइडिया आपको मैं देता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और